एक और वॉच आ रही है 31 तारीख को, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वाली वॉच लें जो क्वेस्ट आने वाली है या एक्सपेडिशन लें, तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। फिलहाल आप क्वेस्ट के प्रीव्यू को एंजॉय करो और सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, दोनों का कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, बट फिलहाल आप ये जो फायरबोल्ट की क्वेस्ट है इसका जो प्रीव्यू है उसको एंजॉय करो। वैसे अगर आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील लाते रहते हैं, वैसे लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती रहती है। तो गाइस एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के लिए, आप सभी के लिए अपडेट्स हम लाते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी आप ऑल कर दो। तो चलिए इस अमेजिंग प्रीव्यू को हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए, और कंपैरिजन के लिए रुकी जाइएगा, कंपैरिजन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हम गिव अवे प्लान कर रहे हैं 40 के सब्सक्राइबर पे, आपको अप टू यहां पे 5 से 10 वॉचेस का मैं गिव अवे करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पे। सो गाइस बात करें क्वेस्ट की, तो क्वेस्ट वॉच इस तरीके से लुक में मिलती है, और ये 3 कलर शेड्स में ही देखने को मिलने वाली है, ब्लैक, ग्रीन और आपका ये सिल्वर, तो तीनों में से आप चूज कर सकते हो। तीनों ही रगेड बिल्ड क्वालिटी है, ऑब्वियसली बात है सेम प्रोडक्ट है, तो रगेड बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। और हाँ, चौथा कलर शेड मैं भूल गया, यहाँ पे ऑरेंज वाला भी देखने को मिलेगा, ऑरेंज या रेड लग रहा है बेसिकली, ज़्यादा ये ऑरेंज से ज़्यादा रेड लग रहा है ये। तो गाइस ये जाएगी सेल पे अभी जस्ट 2 दिन बाद, और सेम प्राइस ब्रैकेट में, जिस प्राइस ब्रैकेट में आपकी एक्सपेक्टेशन जा रही है 1999 में, ये भी आपकी 1999 में ही जाने वाली है सेल पे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से और जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ए टू जी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे अगर आप चैनल पे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्विक स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, 1.39 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और ये 360 पिक्सल वाली रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, उसी के साथ साथ इनबिल्ट जीपीएस में जाता है। अब गाइस मैं आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इनबिल्ट जो जीपीएस होता है इन सब वॉचेस में, जो कि आप हायर एंड वॉचेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगेन गाइस में मिल जाता है तो अप्रिशिएशन की बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कई बार जैसे कि आप रनिंग वनिंग करोगे तो कई बार ये बहुत जल्दी लॉक कर लेती है जीपीएस को, कई बार थोड़ा टाइम लगाती है, तो वो आपको थोड़ा सा पहले ही मैं बता देता हूँ। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन है, रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और फायरबोल्ट हेल्थ स्विच, 100+ स्पोर्ट्स मोड, मतलब 100 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस अगर आप थोड़ा सा याद करो, एक्सपेक्टेशन में 120 स्पोर्ट्स मोड मिलते थे, इसमें आपको 100 ही मिलते हैं, तो 20 इसमें कम मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फायरबोल्ट क्वेस्ट दूसरा इसका जो डिफरेंस है, अगर मैं कंपेयर करूँ आपकी एक्सपेक्टेशन से, वो आपको अगर आप मेरा कंपेरिजन देखोगे ना इन दोनों वॉचेस का, तब मैं आपको पता चलेगा, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और वो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, आप जाके चेक कर लेना हमारे चैनल पे। अगर हम बात करें क्विक स्पेसिफिकेशन की, वहाँ पे 1.39 इंच की डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इनबिल्ट जीपीएस मिल जाता है, इसमें आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, रगेड डिजाइन है इसका, साथ में हेल्थ स्वीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, 300 mAh बैटरी कैपेसिटी है, साथ ही में यहाँ पे 3x पुश बटन मिल जाती है, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा रगेड है इसकी, अगर इसको नॉर्मल आप गिरा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि डिस्प्ले जो है इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप है डिस्प्ले, प्लस आपका ऊपर का जो डायल, मतलब ऊपर का जो केसिंग दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्ले बच जाएगी आराम से, अगर आप इसको गिराते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रगेडली यूज़ करते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्शली यूज़ करते हैं वॉचेस को, वो डेफिनेटली इस वॉच के लिए जा सकते हैं। इनबिल्ट जीपीएस का सपोर्ट मिल जाता है, इस प्राइस ब्रैकेट में आप मार्केट में कोई भी वॉच उठा के देख लो, 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में है ही नहीं कोई वॉच जिसमें इनबिल्ट जीपीएस का सपोर्ट मिलता हो, तो ये इसमें एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, मार्केट के जो कंपटीशन को इसको डिस्टर्ब कर देती है ये वॉच, इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई वॉच नहीं मिलती। अगर इसमें एमोलेड होता तो और मजा आता, इवन तो प्राइस 2500 रख देते, एमोलेड होता तो और मतलब टॉप एंड टॉप हो जाती वॉच। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पिक्सल साइज अच्छा दिया गया है जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए। क्वेस्ट टू एडवेंचर, यहाँ पे अगर हम बात करें आउटडोर रेडी है, ऑब्वियसली बात है रगेड वॉच है, तो यहाँ पे IP67 की आई थिंक रेटिंग है, आगे हम बात करेंगे IP67 है कि IP68 है, चूज योर क्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो 3x कलर शेड तो यहाँ पे शो कर रहा है, एक रेड वाला और आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, रेड वाला चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हो, फंकी कलर है। वैसे ग्रीन कलर शेड मिलिट्री ग्रीन वाला काफ़ी अच्छा रहेगा, या इवन आप ब्लैक वाला भी ले सकते हो, हरे गेटअप पे बेटर लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो 3x बटन मिल जाते हैं, सेम आपकी जो एक्सपेक्टेशन उसी की तरह है, ये रोटेटेबल क्राउन की है, और दूसरा ऊपर का पावर ऑफ करने के लिए, नीचे वाला स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, और ये मिड वाला भी पुश बटन है जो रोटेटेबल वाला है, इसे भी आप बैक कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो, मतलब इस तरीके से ये वॉच मैन्युफैक्चर की गई है, ऊपर की साइड एक ग्लास पे जाता है, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा ग्लास है, फिर मेन यूनिट है, फिर उसके बाद मेटल का फ्रेम है, उसके ऊपर आपका रगेड बॉडी यूज़ करी गई है। इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकिंग नेविगेट लाइफ, यस यहाँ पे प्रॉपरली अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉपर नेविगेशन का ऑप्शन वॉच में मिलेगा, नो वो नहीं मिलेगा। वॉच जैसे आप पेयर करोगे अपने फ़ोन के साथ, मतलब जैसे ही आप सिंक्रोनाइज करोगे, एक बार आपने पेयर कर दिया, फिर आप रनिंग के लिए गए, आपका पूरा रूट ट्रैक कर लिया इसने वॉच ने, उसके बाद जैसे ही आप अपने ऐप से सिंक्रोनाइज करोगे तो ये डाटा आपके वॉच का जो है ऐप में शो करेगा, ऐप में प्रॉपर मैप में शो करेगा। तो बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि क्या इसमें मैप रहेगा, नहीं मैप नहीं रहेगा, ध्यान रखना।
और यहाँ पे जब भी आप भागोगे तो जीपीएस को उसी टाइम आपको स्टार्ट करना है और लॉक कर लेगी जीपीएस। कभी कभार नहीं भी करती, कभी कभार बहुत जल्दी कर देती है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। जीपीएस जैसे लॉक कर लेगा उसके बाद आपको भागना स्टार्ट करना है। और गाइस यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी जैसे हमने आपको बता दिया, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा दिया गया इसके अंदर। अप टू 8 कंटेंट को इसमें आप सेव कर पाओगे वॉच में इटसेल्फ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। 2000 रुपये के प्राइस में रगेड वॉच, साथ में जीपीएस, साथ में यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी भी दी गई है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा। स्मार्ट नोटिफिकेशन, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके वॉच में आ जाएंगे, इवन हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करेगा, बट ये है कि बहुत लेंथी जो नोटिफिकेशन होता है वो वॉच में शो नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा देखने के लिए इस वॉच में। और इनबिल्ट जीपीएस पाथ फाइंडर, यस यहाँ पे इस तरीके से आप पाथ फाइंड कर सकते हो, और एप्लीकेशन में तो ओवरऑल प्रॉपर जो मैप्स है वो शो करेगा। क्वेस्ट मोड ऑन, यस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे गूगल फिट से क्या इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो गाइस मैं रिव्यू करूंगा जब आपको बता पाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसको टेस्टिंग ही कर रहा हूं और आपको डिटेल्स बहुत जल्दी मिलने वाली है। 31st को अनबॉक्सिंग मिल जाएगी आपको। फाइंड योर वे, यहाँ पे 100 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं विद अ प्लैथरा ऑफ स्पोर्ट्स मोड दैट एडजस्ट टू एवरी विम। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है। एडवेंचर योर विनिंग एज, यस। यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, एस्पिरेट लेवल मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब गाइस रगेड वॉच पहन के तो कोई नहीं सोता, बट ये लाइट वेट है वॉच, ये हैवी नहीं है वॉच, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो उसी की तरह लुक है इसका, उसी की तरह लाइट वेट भी है, उसी की तरह फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो गाइस लाइट वेट भी कहीं ना कहीं है ये वॉच। 300 mAh कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस वॉच में भी, और इवन एक्सपेक्टेशन में भी 300 mAh कैपेसिटी मिलती है, जो कि रफली आपको 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ देती है ऑन कॉलिंग, बट ऑन फिटनेस मोड्स आपकी 4 दिन तक चल जाएगी आराम से, और हैवी यूजेस पे आपकी 2 दिन तक निकाल देगी, 1.5 से 2 दिन आराम से ये वॉच। उसी के साथ साथ वॉच में सॉन्ग सुन पाओगे आप, एक्स्ट्रा फीचर्स बता रहा हूँ साथ साथ में, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो गाइस यहाँ पे यस सॉन्ग सुन सकते हो, बट स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे एज अ स्टेटस स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बताया भी गया 50 डेज का स्टैंड बाय टाइम है, चार्जिंग टाइम 2 घंटे लेती है, और यहाँ पे वर्किंग टाइम है 5 से 7 दिन ऑन पेपर। ये ओनली फिटनेस मोड पे है डाटा, लैब टेस्ट का होता है ये एक्चुअल, यहाँ पे जिस पर्सन ने यूज़ किया वही बता सकता है, वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। एडिशनल स्मार्ट फीचर्स की बात करें, कैलकुलेटर मिल जाता है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन है, वेदर अपडेट्स मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल है, स्टॉप वॉच है, गेम भी देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में इटसेल्फ आपको, और स्विच एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो, टन्स ऑफ वॉच फेस थ्रू द एप्लीकेशन भी आप चूज़ कर पाओगे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर शेड है, वाइट है, ब्लैक है, इस तरीके से 3x2 कलर शेड्स प्लस एक बोनस रेड वाला कलर शेड आपको देखने को मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो तो सेल पे है ऑन फ्लिपकार्ट, 22,000 रुपये की मिल रही है अभी फिलहाल, जब सेल पे जाएगी वो 2,000 रुपये मिलेगी। अभी एक्चुअल सेल, एक्चुअल लॉन्च सेल नहीं स्टार्ट हुई है, ये आपका प्री जो है अवेलेबल है, प्री सेल कह सकते हो, बट ये सेल भी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम MRP पे बिक रही है अभी फिलहाल। फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे स्ट्रैप, यस स्ट्रैप, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या ये रिमूवेबल है, नहीं गए स्ट्रैप आप रिमूव नहीं कर सकते, ये फिक्स रहने वाला है, और अगर आपका कटवट जाता है तो आपको कंपनी को ही अप्रोच करना पड़ेगा, कंपनी के पास पहुँचना पड़ेगा। एंड गाइज लास्टली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वॉच आपके किस रिस्ट के लिए बेटर रहेगी, देखो ये लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, ना ही स्किन रिस्ट पे चल पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले साइज तो छोटा है बट इसका डायल साइज बड़ा है, मतलब जो इसका हार्ड प्लास्टिक वाला है मेन जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन रिस्ट पे नहीं अच्छी लग पाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सब। तो कैसे ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू जो आपकी फायरबोल्ट की क्वेस्ट है। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।